कृपया महामना जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर इस कार्यक्रम की औपचारिक तौर से शुरुआत करें। मालवीय जी के विचारों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी आपकी गरिमामयी उपस्थिति इस सभागार की शोभा बढ़ा रही है। हम सभी आपका इस सभागार में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण मांगवाय के लोकार्पण के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच पर विशिष्ट अतिथि भी मौजूद हैं। हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं उनका परिचय आपसे कराते हैं। श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, 2023 से स्वागत। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तथा संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री। श्री राम बहादुर राय जी, प्रधान संपादक, पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण महामय एवं पश्चात पत्रकार। श्री प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना मालवीय मिशन। श्री हरिशंकर सिंह जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महामना मालवीय मिशन एवं राष्ट्रीय समन्वय वांग्मय परियोजना। डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री महामना मालवीय मिशन। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इसके अतिरिक्त इस सभागार में मौजूद विशिष्ट अतिथियों एवं अन्य सम्मानित अतिथियों का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। महामना मालवीय जी के कीर्ति स्तंभ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में मालवीय जी की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शांति स्वरूप भटनागर जी ने एक गीत की रचना की थी। अब कुल गीत के शुरू होने से पहले मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि वे अपने अपने स्थान पर शुरू खड़े हो जाएं और हम सब लोग कुल गीत का हिस्सा बनेंगे। Oh,
का सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं महामना मालवीय मिशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री हरिशंकर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। प्रधानमंत्री जी को सम्मान स्वरूप शॉल भेंट की जा रही है, साथ ही साथ प्रतीक चिन्ह भी प्रधानमंत्री जी को सम्मान स्वरूप दिया जाएगा। ये सम्मान हम सबकी तरफ से इस बेहद पावन मौके पर प्रधानमंत्री जी जोरदार तालियां। प्रधानमंत्री जी को एक पेंटिंग भी भेंट की जाएगी, मालवीय जी का चित्र जो शिवांगी ने बनाया है, और शिवांगी स्वयं इस पेंटिंग को प्रधानमंत्री जी तक ले जा रही हैं और वो प्रधानमंत्री जी को इस पेंटिंग को भेंट करेंगी। मालवीय जी का ये चित्र उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। जोरदार तालियां एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी। और अब मैं महामना मालवीय मिशन के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो आए और माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को सम्मानित करें। वेद प्रकाश सिंह जी, प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का सम्मान हो रहा है, उनको शॉल उड़ाकर प्रतीक्षित भेंट करके जोरदार तालियां अभिनंदन वंदन। और अपने संस्था के सदस्य श्री संजीव कुमार जी से निवेदन करता हूं कृपया वो आए और विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और अपने संस्था के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री दिनकर कुमार सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो संपूर्ण मालवीय वाङ्मय के प्रधान संपादक श्री राम बहादुर राय जी का स्वागत करें। कुमार सिंह जी सम्मानित कर रहे हैं संपूर्ण मालवीय वाङ्मय के प्रधान संपादक श्री राम बहादुर राय जी का। जोरदार तालियां, जोरदार स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। संपूर्ण मालवीय वाङ्मय को साकार रूप देने वाली संस्था महामना मालवीय मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी को अब मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो आए और स्वागत संबोधन दें। श्री प्रभु नारायण श्रीवास्तव। नमस्कार। मां भारती की सेवा में अहिर्निश रत हमारे राजर्षि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई, कार्यक्रम के अध्यक्ष पद्मश्री श्री राम बहादुर राय, यशस्वी कैबिनेट मंत्री श्री अनुराग ठाकुर एवं श्री अर्जुन राम मेघवाल, महामना संपूर्ण वाङ्मय के राष्ट्रीय समन्वयक श्री हरिशंकर सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री श्री वेद जी, उपस्थित देश भर से आए हुए प्रतिभापुंज, मैं प्रभु नारायण मिशन की ओर से देश भर से आए हुए कर्मठ कार्यकर्ता एवं महामना को आदरांजलि देने वाले इतनी विशाल संख्या में उपस्थित प्रतिभापुंज का हृदय से स्वागत करता हूँ। हम सब लोग अमृत महोत्सव वर्ष में महामना और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के 2047 में विकसित भारत के सपनों को तन मन धन से पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। 11 दिनों में कार्यक्रम की सफलता में हमारे कार्यकर्ता ने बहुत ही कर्मठतापूर्वक योगदान किया है।
माननीय प्रधानमंत्री के दीर्घिकवान व्यक्तित्व के अभाव में यह संभव नहीं हो पाता। अपने सुविचारित एजेंडा के अनुसार इसे कई दशकों तक महामना को स्मृति के गर्भ में डाला गया था। वर्तमान भारत सरकार उन्हें 2014 में भारत रत्न से अलंकृत किया और तभी से मानवीय युग का आरंभ हो गया ऐसा हम मानते हैं। पिछले 45 वर्षों से महामना मालवीय मिशन के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने सेवा, शिक्षा, संस्कार एवं राष्ट्रवादी विमर्श नेशनल नैरेटिव बनाने में वर्तमान सरकार के सपनों को मजबूती प्रदान करने का गिलहरी प्रयास किया है। स्वराज्यम सप्तम हंति राजा नाम मंत्र विप्लव से राजा, राज्य और जनता का भी विनाश होता। आज पूरे देश में, पूर्व में कलकत्ता, पटना, रांची, पश्चिम में गांधीनगर से हमारे कई राजा महाराजा भी आए, मैं उनका भी विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। मुंबई, जयपुर, उत्तर में दिल्ली, लखनऊ और दक्षिण में बेंगलुरु, हैदराबाद सहित कुल 30 शाखाएँ कार्यरत हैं। इनके द्वारा संचालित सेवा प्रकल्प, डिजिटल ट्रेनिंग केंद्र दिल्ली में गढ़िया लोहार के परिवार का सेवा, उचाहार में महिला सिलाई कढ़ाई केंद्र, लखनऊ में इंटर कॉलेज छात्रावास एवं समसामयिक विषयों पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाता रहा है। जो कार्य पिछली सरकार अज्ञात कारणों से वर्षों तक नहीं कर पाई उसे मिशन के कार्यकर्ताओं ने अपनी तपस्या से 4 वर्षों में 11 खंडों के 4,000 पृष्ठों में महामना के सैकड़ों अप्रकाशित पत्रों, लेखों और भाषणों को 22 खंडों में समेटा है। अगले 11 खंडों की दूसरी श्रृंखला भी लगभग तैयार है। हमें विश्वास है श्रृंखला का भी लोकार्पण अपने राजर्षी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से शीघ्र ही हो सकेगा। पूजनीय गुरु जी से प्राप्त आशीर्वाद में माननीय अशोक सिंघल, माननीय भावराव, माननीय भिड़ेरी, तक शंकर तत्वादी, माननीय वेद प्रकाश गोयल, माननीय पन्नालाल जायसवाल, माननीय तुक्कड़ जी और हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की समर्पित शक्ति से बिना किसी सरकारी सहायता के मालवीय जी का यह रथ पिछले 45 वर्षों से अनवर चल रहा है। अंत में मैं इस अवसर पर अपने राजस्थान प्रधानमंत्री से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, हार्दिक निवेदन। जैसा कि हम सब अवगत हैं, लोकमान्य तिलक, महामना, पूज्य गांधी एक राजनेता होते ही भी गीता प्रेमी, हमारे मोदी जी भी उसी प्रकार से गीता प्रेमी हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, आपसे अच्छा कौन जान सकता है कि गीता जी से देश की चेतना में कितना सार्थक परिवर्तन हो सकता है। अतः प्रथम चरण में अपने ही दल में से गीता प्रवचन की वार्षिक परंपरा विकसित हो और इसका उद्घाटन आपके ही प्रवचन से हो, ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ मैं आपसे यह भी आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि बाद में हिंदू विश्वविद्यालय में महामना द्वारा स्थापित स्वैच्छिक गीता प्रवचन की परंपरा राजनीति द्वारा भी स्थापित की जा सकती है। दूसरा, मालवीय वांग्मय सहित अन्य मालवीय साहित्य एवं ऊपर देश भर में महामना के दर्शन पर विश्वविद्यालयों विद्यालयों में उचित शोधों पर आकर्षक पुरस्कार दिए जाएं। इस संबंध में हम भारत सरकार के शिक्षा विभाग को सहयोग कर सकते हैं अथवा सरकार हमारा सहयोग ले सकती है। हमें विश्वास है कि ईश्वर के आशीर्वाद से आपके नेतृत्व में लगभग 25 करोड़ भारतीय परिवार के प्रधान होने के कारण अपने देश का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आधुनिक विकास निश्चित ही संपन्न हो सकेगा। अंत में मैं आप सबको हृदय से पुनः पुनः धन्यवाद देता हुआ श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक जो महर्षि व्यास ने संजय मुख से कहा है उसको उद्धृत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान ने कहा है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र सिंह विजयो भूति दुहा नीतिर मतिर मम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी। संपूर्ण मालवीय वांग्मय की पहली श्रृंखला से परिचित कराने के लिए
अब मैं आमंत्रित करता हूँ संपूर्ण मानवीय वांग्मय के प्रधान संपादक श्री राम बहादुर राय जी को कि कृपया वो आएं और हम सभी को इस संकलन से परिचित कराएं। श्री राम बहादुर राय जी।